हमारी बहन कैलाश सैनी दो बार सांसद रही है, जिला परिषद की चेयरमैन रही है, बैकवर्ड क्लासेस लीडर है, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस शामिल हो रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम यही सोचते रहे कि करेंगे बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी पे थोड़ा सा यकीन था, लेकिन नहीं, वो भी अब चाटुकारों से गिर गए हैं और जनता के हित की कोई परवाह नहीं रही, ना भ्रष्टाचार की तरफ ही कोई ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को लगातार झटके पे झटका दे रहे हैं। पहले नायब सिंह सैनी सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों को तोड़ा और अब कैलाशो सैनी को कांग्रेस में शामिल कराकर एक हफ्ते में भाजपा को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। रविवार को रोहतक में सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दमन थाम लिया। भाजपा से कांग्रेस में आते ही सैनी के सुर बदल गए। उन्होंने एक सांस में भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि जनता इनका चुनाव में बदला लेगी। बस ये आज मैंने हुड्डा जी के नेतृत्व में आज मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल, नई कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है और वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी, जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, मेरा बहुत पहले से मन था, क्योंकि बीजेपी में वो ना तो जनता की कद्र है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। संविधान को बदलने की साजिश है, किसानों को लाठियों से पीटा गया, लोकतंत्र को ख़त्म किया गया पूरी तरह से। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं जिनको आगे आने वाले समय में देश की जनता को आज वोट की चोट से, अपनी ताकत से उनको हल करना है। आज जनता ही ये चुनाव लड़ रही है, जनता खुद अपने हित के लिए इन्वॉल्व हो गई है इलेक्शन में, और जब जनता अपना इशू बना लेती है इलेक्शन को तो आपको पता ही है कि क्या होता है। कैलाश सैनी की अब तक के सियासी सफर को देखा जाए तो वो दल बदल में माहिर रही हैं। 1998 में हरियाणा लोक दल और फिर 1999 में NLOC कुरुक्षेत्र से सांसद चुनी गई सैनी ने 2009 में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बाद में यहां भी उनका मोहभंग हो गया और करीब 5 साल पहले तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गईं। अब कैलाश सैनी का एक बार फिर हृदय परिवर्तन हुआ है और उन्होंने दोबारा कांग्रेस की ओर रुख किया है। इस पर आज जब उनसे सवाल किया गया तो वो असहज हो गईं और सफाई देने लगी। जी नहीं, बीजेपी में रहे, बीजेपी अलायंस में रहे या जी, हाँ जी बिल्कुल नहीं। चलो, ऐसा तो आपको ये सवाल वैसे करना नहीं चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि हुड्डा जी जैसा नेतृत्व और कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। ये आप थोड़ा सा सवाल दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हेयर एंड ये कोई जरूरी नहीं इस तरह से पूछना, जब कोई और नहीं पूछ रहे हैं तो और पत्रकार का ये इशू है। दो बार पार्टी बदल चुकी है, इसलिए सवाल बनता है। अरे ऐसा है, पार्टी में अपने जनता की आवाज़ उठाने के लिए गई थी मैं, जब जनता की आवाज़ ही नहीं उठाने दी जाती, मुझे किसान के मुद्दों के खिलाफ वहाँ पर आवाज़ उठानी थी और मैंने उठाई भी काफ़ी हद तक, तो वो अच्छा नहीं लगा किसी को, तो फिर पार्टी का क्या करें, हमें तो जनता का ही चाहिए ना कि पार्टी का ही चाहिए। या बेहतर तरीके से पूरी खुली छूट है, पहले भी हमने उठाया है और कितने इश्यूज हल करवाए। नहीं, देर में नहीं समझ आई, बहुत पहले आ गई थी समझ में, बहुत पहले आ गई थी। हम यही सोचते रहे कि करेंगे बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी पे थोड़ा सा यकीन था, लेकिन नहीं, वो भी अब चाटुकारों से गिर गए हैं और जनता के हित की कोई परवाह नहीं रही, ना भ्रष्टाचार की तरफ ही कोई ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस का एक छोटा सा दफ्तर अकबर रोड पर अब भी चल रहा है, उसमें कोई पैसा नहीं लगाया गया। उसी तरह से बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक वहाँ उसी में बैठते रहे, और बीजेपी का वगैरह का इतना आलीशान बड़ा दफ्तर आप देख के आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जिस देश में इतनी समस्याएं मुंह बाहर खड़ी हैं।
किसान रो रहा हो अपनी एमएसपी पे, तो और भी बहुत सी चीजें हैं। वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कैलाश सैनी को शामिल कराते हुए कहा कि आज हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी हुई है। हमारी बहन कैलाश सैनी दो बार सांसद रही है, जिला परिषद की चेयरमैन रही है, बैकवर्ड क्लासेस लीडर है, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने, और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान स्थान मिलेगा। और इनके साथ और भी आए हैं चेयरमैन, तो जिला तो पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग आपको बड़ा चेयर, कितने बड़े चेहरे जो है आपके संपर्क में? 40 लोग पूर्व विधायक, पूर्व सांसद से ज्यादा जॉइन कर चुके हैं। एक लहर बनी हुई है कांग्रेस के पक्ष में, पूरे हरियाणा में एक लहर बनी हुई। बता दें कि कैलाश सैनी का कुरुक्षेत्र के इलाके में काफी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में उनके कांग्रेस में आने से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता की स्थिति निश्चित तौर पर मजबूत होगी। वहीं लगातार दो बार यहां से जीत रही बीजेपी के लिए सैनी का जाना एक बड़ा झटका है। बीजेपी को इसका कितना नुकसान और कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। बहरहाल भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले कुछ दिनों से भाजपा खेमे में खलबली जरूर मचा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।